Lena. Accounting IS 20 है ना, accounting for government grants and disclosure of government assistance, वही वाला 40 वाला है, IS 40 वाला है, IS 40 वाला चैप्टर, पहले में चैप्टर 8 था, चैप्टर 8 जिसमें मुख्तलिफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तीन स्टैंडर्ड उस चैप्टर के अंदर, एक है IS 40 जो हमने कल किया, आज है जी IS 20 और एक IS 23, तीन स्टैंडर्ड इस चैप्टर। नहीं जनाब, कुछ डेफिनेशन है वो पहले लिख लें फिर स्टैंडर्ड पे बात करें। सबसे पहले लिखें जनाब गवर्नमेंट असिस्टेंस, हेडिंग लिखें गवर्नमेंट असिस्टेंस, गवर्नमेंट असिस्टेंस, असिस्टेंस असिस्ट हेल्प करने वाला, असिस्ट ASIST असिस्ट असिस्टेंस, गवर्नमेंट असिस्टेंस। गवर्नमेंट से आप सबको मालूम है वही है जो हमारे मुल्क में कहीं नज़र नहीं आती, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से मुराद लोकल गवर्नमेंट है, प्रोविजनल गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट असिस्टेंस से मुराद नॉर्मली हमें पता है कि इसका जो सिंपल मीनिंग है वो क्या होता है, हेल्प करना, ठीक, असिस्ट करना टू अचीव समथिंग, सो गवर्नमेंट असिस्टेंस। इसकी डेफिनेशन लिख लें जनाब अपने पास MCQ के रेफरेंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रेफरेंस से मैं लिखवा रहा हूँ, इसलिए याद कर लीजिएगा, जो जो मैं लिखवा रहा हूँ आपने स्टैंडर्ड में याद कर लेना, ठीक। ले जनाब, एक्शन बाय गवर्नमेंट, एक्शन बाय गवर्नमेंट डिजाइंड टू प्रोवाइड, एक्शन बाय गवर्नमेंट designed to provide an economic benefit specific to an entity or range of entities or range of entities qualifying under certain criteria or range of entities qualifying under certain criteria example provision of infrastructure matlab industrial estate bana dena, sadke wahan pe bijli ka intezam, har cheez karobar kare ji baap, provision of infrastructure, imposition of trade constraint number 2, for example provision of infrastructure number 2,
इम्पोजिशन ऑफ ट्रेडिंग कंस्ट्रेंट, इम्पोजिशन ऑफ ट्रेडिंग कंस्ट्रेंट्स ऑन कंपेटिटर। जैसे हम देखते हैं गवर्नमेंट ने अभी आते ही इम्पोर्ट बड़ी सख्त कर दी, तो लोकल बिजनेसमैन को क्या किया जा रहा है, इनडायरेक्टली असिस्ट किया जा रहा है कि आप अपने बिजनेस को, आपका बिजनेस बढ़ जाए। इम्पोजिशन ऑफ ट्रेडिंग कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट्स पाबंदियाँ लगा देना, ट्रेडिंग कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन कंपेटिटर्स। इम्पोर्टर जो है बेचारे का बिजनेस बंद हो गया, ठीक। सिर्फ एक्सपोर्टर को क्या किया जा रहा है, फ्लरिश किया जा रहा है, फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट इज असिस्टिंग द रेंज ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरर, लोकल मैन्युफैक्चरर को क्या किया जाए, इनकरेज किया जाए। उन्होंने गवर्नमेंट क्या कर रही है, असिस्ट कर रही है, इनडायरेक्टली हेल्प कर रही है बिजनेस को, किसके लिए, ताकि वो ग्रो करे। उसमें गवर्नमेंट का अपना फ़ायदा नेचुरली होता है कि जब बिजनेस इंडिविजुअल बेसिस पे ग्रो करेंगे तो इकोनॉमी जो है वो मूव करेगी, जॉब्स क्रिएशन होगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा। सो दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज सीकिंग एंड द टैक्स रेवेन्यू विल इंक्रीज, ठीक। सो गवर्नमेंट असिस्ट करती है इनडायरेक्टली टू द एंटिटी और द रेंज ऑफ एंटिटीज, ठीक हो गया। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट असिस्टेंस। अब एडिंग लिखें गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट, हेडिंग लिखें गवर्नमेंट ग्रांट, लिख लीजिए हेडिंग। अब इसके लिखें जनाब, गवर्नमेंट ग्रांट्स आर असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ग्रांट्स आर असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट आर असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ रिसोर्सेस, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस टू एन एंटिटी in the form of transfer of resources to an entity in return for past in return for past or future compliance with certain conditions, compliance with certain conditions relating to operating activities of the entity, relating to operating activities of the entity. दोबारा बोलता हूँ, आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स आर असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट। कि ग्रांट भी गवर्नमेंट हेल्प ही करती है, असिस्ट करती है, लेकिन इसमें असिस्ट हेल्प करने का तरीका यह है कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज ट्रांसफर करती है टू एन एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल पैसे जैसे दे देती, कैश दे देती, लेकिन उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको पास्ट में या फ्यूचर में, मतलब आपने कुछ काम करना है हमारा, यू हैव टू कम्प्लाई विद सर्टन कंडीशंस जो हम आपको बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको पैसे देंगे, अगर आप इंडस्ट्री जो है वो फलां जगह पे लगाएंगे और आने वाले 5 सालों में नौकरी सिर्फ वहाँ के लोकल्स को देंगे, बाहर से कोई बंदा आके जॉब नहीं करेगा, ठीक। गवर्नमेंट नेचुरली क्या करना चाह रही है, एक लोग वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके लिए जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाह रही है, वहाँ के लोगों को स्किल डेवलप करना चाह रही है कि यहाँ पर उनको हायर करेंगे, फिर ज़ाहिर उनको ट्रेनिंग देंगे, फिर उनको इस काबिल बनाएंगे कि वो काम कर सकें। तो स्किल पॉपुलेशन, जो अनस्किल्ड पॉपुलेशन है वो स्किल्ड पॉपुलेशन में कन्वर्ट होना शुरू हो। सो गवर्नमेंट के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं और गवर्नमेंट उसको अचीव करना चाह रही होती है बाई ट्रांसफरिंग द इकोनॉमिक रिसोर्स टू एन एंटिटी। यदि हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको पैसे देंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको हमारी कुछ शरायत जो है वो पूरी करनी पड़ेंगी, या तो पहले आप पूरी करेंगे फिर आपको पैसे देंगे,
या हम आपको पैसे दे देंगे फिर आपने पूरी करनी। दो तरह से पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस, मतलब गवर्नमेंट दो तरह से बात करे कि पहले आप काम कर ले फिर आप हमें बिल कीजिएगा हम आपको पैसे दे देंगे, ठीक। या हम आपको अभी पैसे दे रहे हैं लेकिन उसके अगेंस्ट अब आने वाले सालों में आपने ये काम करना है, ठीक हो गया। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय, जैसे मैंने लाइन लिखवाई है कि जब आप ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स टू एन एंटिटी इन रिटर्न फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस, इस लाइन का मतलब ये कि हम आपको पैसे देंगे ट्रांसफर करेंगे इकोनॉमिक रिसोर्स लेकिन उसके अगेंस्ट शरायत है हमारी। वो शरायत या तो गवर्नमेंट आपसे पहले करवा के फिर आपको पैसे देगी या वो आपको पैसे देने के बाद कहेगी कि अब आपने ये कंडीशंस क्या करनी है मीट करनी है, ठीक। और इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात रिलेटिंग टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी। तो आई होप कैश फ्लो पढ़ने के बाद यू कैन डिस्टिंग्विश वेरी इजीली बिटवीन थ्री एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। सो इट मीन्स इट डजंट रिलेट विद द फाइनेंसिंग एंड द इन्वेस्टिंग, इट्स रिलेटिंग विद द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज के साथ इसका ताल्लुक। लेकिन आप इसके बाद एडिंग लिखें फॉरगिवेबल लोन, फॉरगिवेबल लोन, फॉरगिव माफ करना, वहां से फॉरगिवेबल लोन। इज ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट, forgivable loan is treated as government grant when there is reasonable assurance. Forgivable loan is treated as a government grant, treated as a government grant when there is a reasonable assurance that the entity will meet, that the entity will meet the terms for forgiveness of the loan. will meet the terms for forgiveness of the loan. Karza hai hasna, suna hoga aapne जनाब, अगर आप फला फला काम कर लेंगे तो ये जो पैसे आज हमको दे रहे हैं ये आपको हमें वापस नहीं करने पड़ेंगे, ये माफ़ हो जाएगा। इसको हम कहते हैं उर्दू में हम इसे कर्ज हंसना कहते हैं, फॉरगिवेबल लोन्स। तो कहते हैं जनाब अगर एक एंटिटी को इस तरह का कोई कर्ज लोन मिलता है जिसमें ये टर्म्स हैं कि अगर आपने फला फला पॉइंट्स जो हैं या कंडीशंस मीट कर ली तो ये लोन आपको वापस नहीं करना पड़ेगा, तो कहते उसको भी हम क्या ट्रीट करते हैं एज ए गवर्नमेंट ग्रांट। लेकिन किस वक्त, जब ये हमारे पास रीजनेबल अश्योरेंस हो। ये रीजनेबल अश्योरेंस से मुराद है प्रोबेबल, जो प्रोबेबल हो कि आप वो टर्म्स क्या कर लेंगे मीट कर लेंगे, तो वो भी क्या बन जाएगी गवर्नमेंट ग्रांट बन जाएगी, ठीक। लेकिन अब ये तो हो गया हमारे पास तीन डेफिनेशंस। अब इसमें अगर आप देखें तो हमने बेसिकली जो चीज सबसे पहले अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि आईएस 20 इज अबाउट कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है कि असिस्टेंस कर रही है, गवर्नमेंट असिस्ट कर रही है। दो तरह से असिस्टेंस होती है, एक हमने कहा जनाब बाय प्रोवाइडिंग अ इंफ्रास्ट्रक्चर टू एन एंटिटी और अ रेंज ऑफ एंटिटी। इसका मतलब है कोई इकोनॉमिक बेनिफिट ट्रांसफर नहीं किया जाता किसी भी कंपनी को, डायरेक्टली कैश वैश या रिसोर्स ट्रांसफर नहीं किया जाता। एक जनरल इन्वायरमेंट, एक ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बना दिया जाता है जहाँ पर बिजनेस करना जो है वो आसान हो रहा हो, ठीक। उसको हम क्या कहते हैं, इज सिंपली नोन एज गवर्नमेंट असिस्टेंस, ठीक हो गया, दैट इज अ गवर्नमेंट असिस्टेंस। और ऐसी असिस्टेंस, ऐसी हेल्प जिस पे गवर्नमेंट इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करेगी टू एन एंटिटी इन कंप्लायंस विद द फ्यूचर और पास्ट कंडीशंस, तो उस असिस्टेंस को हम क्या कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। ये फर्क सबसे पहले याद रखना, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द असिस्टेंस एंड द ग्रांट। सो वी कैन से दैट इन द ग्रांट गवर्नमेंट डायरेक्टली ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स टू एन एंटिटी इन रिटर्न ऑफ पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक।
तो अगर इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो हम उस असिस्टेंस को क्या कहेंगे, हम उसको ग्रांट कहेंगे। इसका मतलब अगर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ट्रांसफर नहीं हो रहे बट द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द एंटिटी और द रेंज ऑफ एंटिटी, तो इट विल बी नोन एज गवर्नमेंट असिस्टेंस। यहां पर आपने फर्क कर लिया। दिस इज हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ग्रांट एंड द असिस्टेंस। सबसे पहली बात हमारे पास ही आ रही, ठीक। अच्छा, अब ये कहते हैं, स्टैंडर्ड हमें बताता है जी, ग्रांट दो तरह से होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ ग्रांट, ग्रांट रिलेटिंग टू एसेट्स, ग्रांट रिलेटिंग टू एसेट्स एंड द ग्रांट रिलेटिंग टू इनकम्स। ग्रांट रिलेटिंग टू एसेट्स एंड द ग्रांट रिलेटिंग टू इनकम्स, ठीक हो गया जनाब। अब ये क्या फर्क है जनाब इसमें, मार्केट नहीं सही है, हाँ ये ठीक नहीं है। ग्रांट रिलेटिंग टू एसेट्स से क्या मुराद है जनाब, कि ऐसी ग्रांट जिसमें गवर्नमेंट आपको इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करे, पैसे जैसे दे आपको, लेकिन कंडीशन ये हो कि यू हैव टू परचेज और कंस्ट्रक्ट एन एसेट। आपको एक एसेट परचेज करना, प्लांट लेना है, बिल्डिंग बनानी है, पैसे इसलिए हम आपको दे रहे हैं कि आप एक नॉन करंट एसेट जो है वो बनाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज ग्रांट रिलेटिंग टू एसेट्स। और अगर ग्रांट ट्रांसफर हो रही है, मतलब पैसे दे रहे हैं गवर्नमेंट, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो फिर ये क्या होगी, ये ग्रांट रिलेटिंग टू इनकम होगी। सो इट मीन्स एनी ग्रांट अदर देन ग्रांट रिलेटिंग टू एसेट इज नोन एज ग्रांट रिलेटिंग टू इनकम। समझ आ गई बात। दो तरह से हमें ग्रांट मिल रही है, टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, द वन इज नोन एज ग्रांट रिलेटिंग टू एसेट्स एंड द अदर वन इज नोन एज ग्रांट रिलेटिंग टू इनकम्स। सही हो गया जनाब जी। अब हम कहते हैं जनाब, छोटी सी एग्जांपल बनाते हैं जनाब, तो आप मुझे बताएं इसकी डबल एंट्रीज क्या होंगी। हम कहते हैं गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि जनाब नौजवानों में जो है ना वो स्किल डेवलप की जाए, है जी। उन्होंने किसी एक कॉलेज के साथ कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा यार आप ऐसा करें कि जिन बच्चों ने एटलीस्ट ग्रेजुएशन की हुई, आप उनको ये डिजिटल मार्केटिंग के जो दो दो हफ्ते के कोर्स कराएं, ताकि ये घर बैठ के जो है ना इंटरनेट पे बैठ के पैसे कमाने शुरू करें, कंट्री की एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, फॉरेन रिजर्व भी आएगा। आपने पता होगा डिजिटल मार्केटिंग आजकल कंप्यूटर पे, फिर वो सर्च ऑप्टिमाइजेशन होती है गूगल पे, तो ये इंटरनेट पे अगर आप बैठे तो इस तरह की बड़ी जॉब्स जो हैं वो आपको अवेलेबल होती। अच्छा, हम ट्रेनिंग करवाना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो किसी कॉलेज को कहते हैं जी हम आपको पैसे देंगे, आप इन बच्चों को ट्रेनिंग कराएं दो दो हफ्ते, ठीक। आपने महीने में दो बैच चलाने, जब महीना पूरा हो जाए हमें डॉक्यूमेंटेशन दीजिएगा, कितने लोगों ने पढ़ा, कितने आवर्स पढ़ा, उनकी आउटकम्स क्या आई, हमें पेपर फाइल कराइएगा, आपका चेक आपको मिल जाएगा। बड़ी सादा सी ट्रांजैक्शन बन गई कि जी लोगों की ट्रेनिंग करें दो हफ्ते की, पैसे लगेंगे, ठीक, हमें बिल कीजिएगा तो हम आपको पैसे दे देंगे, ठीक हो गया जनाब। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दो हफ्ते और पूरे महीने की ट्रेनिंग पे लग गए जनाब 1.5 लाख रुपये, गवर्नमेंट ने आपको 1,70,000 रुपये दे दिए, ठीक, चले एंट्री पास कर, 1.5 लाख रुपए लगे स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग पर, गवर्नमेंट ने आपको 1,70,000 रुपये ट्रांसफर कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, पास द जनरल एंट्री, करें एंट्री पास कर। फिर भी गलती दस रहे देखिए आप, ट्रेनिंग कॉस्ट इनकर हुई, एंट्री करें पहले ट्रेनिंग कॉस्ट क्या एंट्री होगी जी सर, ट्रेनिंग कॉस्ट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट। अब गवर्नमेंट ने आपको 1,70,000 रुपये दे दिए,
क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट ग्रांट क्रेडिट, ठीक हो गया जनाब। मैचिंग हो गई, कॉस्ट इनकर हो गई, उसके अगेंस्ट पैसे आ गए। फोर्थ द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेनिंग कॉस्ट क्या रिपोर्ट होगा एज एक्सपेंस, और ग्रांट क्या रिपोर्ट होगा एज इनकम। कौन सी एग्जाम्पल बनी ना, कहते इससे ग्रांट रिलेटिंग टू इनकम, ग्रांट रिलेटिंग टू इनकम। अगर वो ये कहें कि जब हम आपको इकट्ठे ही पैसे दे देंगे 5 लाख रुपए, ठीक, आपने आने वाले 5 सालों में ट्रेनिंग करनी, ठीक, और ट्रेनिंग करते जाना है आपको, हम पहले पैसे दे देते हैं। अब फ्यूचर कंडीशंस आ गई, पहले पास्ट कंडीशंस थी, अब क्या आ गई है, अब फ्यूचर कंडीशन। हम आपको 5 लाख फौरन दे देंगे, अभी दे देंगे, अब आप ट्रेनिंग करना चाहो, अगले 5 साल आपने बच्चों की ट्रेनिंग करनी। तो हम फॉर एग्जांपल कहते हैं सालाना कॉस्ट आती है 90,000 रुपये ट्रेनिंग पे, ठीक हो गया, 90,000 इज ऑलमोस्ट द ट्रेनिंग कॉस्ट, और 5 साल गवर्नमेंट ने आपको 5 लाख रुपए दे दिए। चलो जी, कर दी डबल एंट्री। जी सर, पास द डबल एंट्री। ले सर, कैश अकाउंट डेबिट आगे टू टू गवर्नमेंट ग्रांट एट द टाइम ऑफ रिसीविंग है जी 5 लाख। अकाउंट फोर कर ली, ग्रांट रिसीव हो गई। अब आपने ट्रेनिंग शुरू कर दी, पूरे साल में ट्रेनिंग पे जितने भी पैसे लगे, फॉर एग्जांपल 90,000 आपके लगे, तो ट्रेनिंग कॉस्ट डेबिट टू कैश 90,000। चलो, साल गुजर गया, ईयर एंड आ गया, नाउ पास द एडजस्टिंग एंट्रीज। ट्रेनिंग कॉस्ट पी एंड एल में क्या हो जाएगी, एक्सपेंस आउट, वो इस साल की इनकम है, बाकी जो है वो क्या है, वो एडवांस इनकम है या डेफर्ड इनकम। जैसे 5 लाख रुपए है तो 5 सालों के लिए तो 1 लाख, एक साल गुजर गया, इसका मतलब इसमें से 1 लाख जो है वो इस साल की करंट ईयर की इनकम बन जाएगी। तो एंट्री क्या करेंगे हम, कहते हम एंट्री करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 100,000। इसको हम क्या कहते हैं, ये एंट्री क्या है, दिस एंट्री इज नोन एज अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, जैसे जैसे आप कंडीशन कंप्लाई करते जाएंगे, ग्रांट क्या होती जाएगी, अमोर्टाइज होती जाएगी, ठीक हो गया जनाब। ग्रांट जो है उसको हम अमोर्टाइज करते जाएंगे। अब अगर मैं यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस और एसओएफपी का डिस्क्लोजर बनाऊं तो पी एंड एल में क्या आएगा, तो हम कहते जी प्रॉफिट एंड लॉस में 2 चीजें आएंगी, एक आएगी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कॉस्ट कितने की 90,000, इसके अलावा आएगा अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट कितने की जनाब, तो हम कहते हैं जी 100,000। सो इट्स अ क्रेडिट, इट्स अ डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक हो गया जनाब। अब हम एसओएफपी पे चलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, ठीक। तो हम कह रहे हैं जनाब गवर्नमेंट ग्रांट पे बैलेंस कितना आ रहा होगा, तो हम कहते हैं 5 लाख का क्रेडिट, 1 लाख का डेबिट, सो वी हैव बैलेंस ऑफ 400,000। और 4 लाख रुपया क्या है, तो हम कहते हैं 4 लाख हमारे अक्रूवल कॉन्सेप्ट से हमें पता है कि इट्स एन एडवांस इनकम, ये भी हमने अर्न करनी है, अगले 4 साल जब हम ट्रेनिंग करेंगे लोगों की, बच्चों की, तो ये भी अर्न हो जाएगा। लेकिन इस वक्त राइट नाउ एट द एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर ये क्या है, 4 लाख रुपया एडवांस इनकम। तो एडवांस इनकम किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो हमें पता है जी इट्स अ लायबिलिटी, इट्स अ लायबिलिटी। एडवांस इनकम क्या होती है, लायबिलिटी होती है, ठीक। जो इनकम अभी हमने अर्न नहीं की लेकिन हम रिसीव कर चुके हैं, उसको हम कैसे रिपोर्ट करते हैं, एज अ लायबिलिटी। तो इसका मतलब एसओएफपी में कहाँ चला जाएगा, तो हम कहते हैं ये लायबिलिटी में चला जाएगा। अब ये जब लायबिलिटी में जाएगा तो हम कहते हैं जनाब इसको स्प्लिट किया जा सकता है नॉन करंट और करंट लायबिलिटी। जो वेरी नेक्स्ट ईयर अमोर्टाइज हो जाएगी ग्रांट, वो करंट पोर्शन है, और जो 1 साल के बाद अमोर्टाइज होगी वो नॉन करंट। तो 4 लाख को स्प्लिट करें तो कितना बन जाएगा, तो हम कहते हैं जी नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा 3 लाख,
और 1 लाख आ जाएगा करंट। ठीक हो गया जनाब। अब इसके बारे में स्टैंडर्ड ये कहते हैं जनाब, इसको जब हम रिपोर्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक, ग्रांट रिलेटिंग टू इनकम, कहते हैं एक तो तरीका ये है कि जो एक्सपेंस आया और जो इनकम है उसको सेपरेटली आप ऑन द फेस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट करें। एक तरीका ये है कि आप इन दोनों को ऑफसेट कर लें, एक्सपेंस और इनकम आपस में ऑफसेट करें और नेट क्या बचता है, 10,000 क्रेडिट, बस ये रिपोर्ट कर दें। इसको कहते हैं ऑफसेटिंग। आईएसवन में रूल है, क्या है रूल, कहते हैं इनकम और एक्सपेंस एक दूसरे के अगेंस्ट ऑफसेट नहीं किए जा सकते। यू कैन नॉट ऑफसेट द इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अगेंस्ट ईच अदर। जनरल रूल ये है कि आप एक दूसरे के अगेंस्ट इसको ऑफसेट नहीं करेंगे, लेकिन जब स्टैंडर्ड खुद आपको अलाउ कर दे कि ऑफसेट किया जा सकता है तो देन यस हम उसको ऑफसेट कर सकते हैं। और दूसरा, व्हेन द एंटिटी हैज अ लीगल राइट टू डू दैट, एंटिटी के पास, जैसे आपको याद होगा कॉन्ट्रा पास करते हो गया इंट्रो में, तो कॉन्ट्रा इज एन ऑफसेटिंग एंड दैट इज बेसिकली द एंटिटी हैज अ लीगल राइट टू डू दैट, तो इसलिए हम ऑफसेट करें। अदरवाइज स्टैंडर्ड अलाउड नहीं करते कि एसेट्स लाइबिलिटीज इनकम और एक्सपेंस आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट ऑफसेट किए जाए, लेकिन जहां पर स्टैंडर्ड अलाउ कर दे देन यस वी कैन ऑफसेट। तो यहां पर हमें स्टैंडर्ड हमें अलाउ करता है कि हम इसको इस तरह भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं पीएनएल में और ऑफसेट करके भी रिपोर्ट कर सकते हैं, सो वी कैन ऑफसेट द इनकम एंड एक्सपेंस। तो ये क्या है जी, हमारे पास ग्रांट रिलेटिंग टू इनकम, तो मुश्किल तो नहीं लगी जी सर? हाँ, इनकम ऑफसेटिंग जमा तफरीक, जमा तफरीक ही होता है मैथमेटिक्स में। जमा तफरीक क्या होती है, प्लस माइनस इज इक्वल क्या होगा, माइनस, और जो बाकी जवाब आएगा उसके साथ सिंबल कौन सी आएगी, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। ठीक, तो यहाँ पर जनाब हमारे पास क्रेडिट इज द लार्जर अमाउंट। ले जनाब एक छोटी सी एग्जांपल, क्या लिखा हूँ, सादा सी एग्जांपल, अ कंपनी रिसीव अ कैश ग्रांट ऑफ रुपीज 30,000, अ कंपनी स्टडी टैक्स में, पेज नंबर 407, पेज नंबर 407, बुक से देख लें, अगर बुक है तो बुक से देख लें, छोटी सी एग्जांपल लिख लें अपने पास। अ कंपनी रिसीव अ ग्रांट ऑफ 30,000 ऑन 31st December ईयर जीरो, December 31st, 2000. The grant is towards the cost of training 407. The grant is towards the cost of training of young trainees. The grant is towards the cost of training young trainees and the training program is expected to last for 18 months. And the training program is expected to last for 18 months from January 1st year 1. Program expected to last for 18 months. 18 mahine ka program, yani ki 1.5 saal. Starting from 1st January year 1, आपको ग्रांट कब मिल गई है, 31 दिसंबर ईयर 0 में। इसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स है अगेंस्ट फ्यूचर कंप्लायंस, नॉट द पास्ट। ठीक हो गया। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द ट्रेनिंग 50,000 ईयर 1, 25,000 ईयर 2। Actual cost of training 50,000 year 1, 25,000 year 2.
जी हाँ, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट फॉर ईयर जीरो, ईयर वन एंड ईयर टू. प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट फॉर ईयर जीरो, ईयर वन एंड ईयर टू. ठीक हो गया जनाब. अब आप देखें 31 दिसंबर ईयर जीरो आपको ग्रांट रिसीव हो गई. कितनी ग्रांट मिल गई जी? 30,000. तो हमने एंट्री क्या की होगी? कैश अकाउंट डेबिट, गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट. कैश अकाउंट डेबिट, गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट, 31 दिसंबर ईयर जीरो. अब फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है जी? दिसंबर में, दिसंबर ईयर जीरो. ट्रेडिंग कॉस्ट इनकर होना शुरू कब होगी? ईयर वन से. इसका मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम कब से रिपोर्ट होगी? ईयर वन से, जब हम एसोसिएटेड कॉस्ट इनकर करेंगे. तो कॉन्सेप्ट पीछे कौन सा कार्य फरमाया? मैचिंग. क्या आप ग्रांट को उस वक्त तक इनकम नहीं बना सकते जब तक उससे रिलेटेड कॉस्ट जो है, कॉस्ट किसकी? जो कंडीशन गवर्नमेंट ने आप इम्पोज की है, उस कंडीशन को पूरा करने के लिए जैसे ही कॉस्ट इनकर होना शुरू होगी तो ग्रांट अमोर्टाइज होना शुरू हो जाएगी. सो दैट मीन्स इट्स अ मैचिंग कॉन्सेप्ट. ये जो हम ये कर रहे हैं दैट इज अ मैचिंग, कि जैसे जैसे कॉस्ट इनकर होती जाएगी वैसे वैसे हम ग्रांट को इनकम बनाते जाएंगे. तो अनटिल अनलेस आपने कॉस्ट इनकर नहीं की, इसका मतलब अभी तक आपने ग्रांट जो आपको रिसीव हुई है वो अभी आपने अर्न नहीं की. कॉस्ट इनकर करने का मतलब है कि आपने ग्रांट को अर्न करना शुरू कर दिया. ठीक हो गया जनाब. अब अगर हम यहाँ पे लिखें जनाब 31 दिसंबर ईयर जीरो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्क्लोजर बनाएं 31 दिसंबर ईयर जीरो रिलेटिंग टू द ग्रांट, तो हम कहेंगे कुछ भी नहीं आएगा, देयर इज नथिंग, बिकॉज ना कॉस्ट इनकर हुई है और ना ही ग्रांट अमोर्टाइज होगी. तो प्रॉफिट एंड लॉस में इससे रिलेटेड कोई चीज नहीं आएगी. बट इफ वी मेक SOFP स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, तो हम कहते हैं जनाब 31 दिसंबर को आप ग्रांट रिसीव कर चुके, इसका मतलब ईयर एंड पे आपने एंट्री पास की है कैश अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट विद 30,000. अब ये 30,000 बैलेंस शीट में कैसे रिपोर्ट होगा? तुम कहते इट्स ऑल एडवांस इनकम, इट्स अ लायबिलिटी. ठीक, और इसकी कंप्लाइंस अगले 1.5 साल में, 1.5 ईयर. तो 1 साल की जो ग्रांट है उसको हम कहेंगे जनाब जो नेक्स्ट 1 ईयर में, तो उसको हम कहते हैं कि जनाब इट्स अ करंट पोर्शन और बाकी 6 माह की जो है वो क्या बन जाएगी? नॉन करंट. इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज गवर्नमेंट ग्रांट, तो कितनी आ गई जनाब? तो हम कहते हैं इसे 10,000 स्प्लिट कर लें 30 को, और करंट लाइबिलिटी जो है उसमें कितनी आ जाएगी? 20,000. सो इट मीन्स इट्स 30,000 गवर्नमेंट ग्रांट स्प्लिट इन टू नॉन करंट एंड करंट पोर्शन. सही हो गया. अब आप 31 दिसंबर ईयर वन, हम कहते हैं जी इसमें ट्रेनिंग कॉस्ट इनकर कितनी हुई? 50,000. तो जब 50,000 इनकर होगी तो हम कहते हैं जनाब ट्रेनिंग कॉस्ट जो है पहले साल कितनी आ जाएगी? 50,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एक्सपेंस हो गया. इसका मतलब 1 साल की ग्रांट आपने अर्न कर ली. अब आप ईयर वन के एंड पे एंट्री क्या पास कर रहे होंगे? गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट. किस चीज की एंट्री है? तुमने कहा इट इज अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट अमोर्टाइज होगी. ठीक, तो हम यहां पे लिखेंगे अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट. कितने से आगे जनाब? 20,000. तो इट्स अ क्रेडिट. तो ये हमने क्या किया? सेपरेट डिस्क्लोजर दिया. वी कैन आल्सो गिव इट ऑफसेट डिस्क्लोजर, यानी कि नेट 30,000 हम लिख सकते थे. 20 और 50 को आपस में ऑफसेट करते और P&L में कितना डेबिट जाता? 30,000. 30,000 का डेबिट दे देते. अच्छा, अब जब हम बैलेंस शीट में आएंगे तो अब कुछ भी नॉन करंट नहीं है क्योंकि सिर्फ 6 माह रह गए. इसका मतलब ऑल इज करंट नाउ 10,000. सो 10,000. और जब हम ईयर टू में आएंगे 31 दिसंबर ईयर टू, तो क्या होगा जनाब?
ट्रेनिंग कॉस्ट कितनी है? 25,000 और अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट इज 10,000. दिस इज हाउ द ग्रांट विल बी रिपोर्टेड ओवर द 3 years. और ये कौन सी ग्रांट है? तो हम इसे कहते हैं इट्स अ ग्रांट रिलेटिंग टू इनकम्स. ठीक हो गया. तो इसका मतलब है ग्रांट एट द टाइम ऑफ रिसीविंग इज व्हाट? इट इज डेफर्ड इनकम, इट्स एन एडवांस इनकम, जिसको अभी एंटिटी ने क्या करना है? अर्न करना है. अर्न कैसे करती है एंटिटी? बाय कंप्लाइंग विद द पास्ट ऑफ द फ्यूचर कंडीशंस. इसका मतलब अगर आप कंडीशन से कंप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ग्रांट जो है वो अभी आपकी अर्न होना शुरू नहीं है. तो जैसे जैसे ग्रांट अर्न होती जाएगी वैसे वैसे हम इसको अमोर्टाइज करते जाएंगे. एंड अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या है? कि लायबिलिटी को इनकम में ट्रांसफर कर रहे हो. लायबिलिटी डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट. अगर आप इन प्रिंसिपल देखें तो ये एंट्री बन गई. जैसे ही आपने ग्रांट अर्न कर ली उसको आपने इनकम बना देना है. और अर्न करने से पहले वो क्या है? इट्स अ लायबिलिटी. समझ आ गई? बड़ी सादा सी एंट्री है. अगर आप इसको अक्रूवल और मैचिंग के एनक लगा कर देखेंगे तो आप कहेंगे गल कोई भी नहीं है. इट्स सिंपली एन अक्रूवल एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट. ठीक. नाम नहीं है लेना. अब इसके बाद देखें जी एक और छोटी सी एग्जांपल. अ कंपनी रिसीव अ ग्रांट, अ कंपनी रिसीव अ ग्रांट 408 पेज पे. अ कंपनी रिसीव अ ग्रांट ऑफ रुपीज 400,000 towards the cost of an asset. A company receive a grant of rupees 400,000 towards the cost of an asset with a cost of rupees 1,000,000. Towards the cost of an asset with the cost of rupees 1,000,000. Useful life of the asset is 10 years with no residual value. Sir? 10 years. No, 10 years. Useful life of the asset is 10 years with no residual value. Theek ho gaya janab? How it should be reported in year 1, 2, jo bhi aap. Sahi ho gaya janab? अब ये देखें कि अब हमें कौन सी ग्रांट मिल गई है जनाब. तो हम कहते हैं ये हमें मिल गई है ग्रांट रिलेटिंग टू एसेट्स. यस, ग्रांट रिलेटिंग टू एसेट्स. क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट किस लिए दी है? टुवर्ड्स द परचेज ऑफ एन एसेट, टू कंस्ट्रक्ट एन एसेट. एक एसेट आपने परचेज या कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी है? 1,000,000. गवर्नमेंट कह रही है हम आपको उसके अगेंस्ट 400,000 रुपये देंगे. इसका मतलब गवर्नमेंट असिस्ट कर रही है आप बाय ट्रांसफरिंग द इकोनॉमिक रिसोर्स. That is cash, 400,000. ठीक. इसका मतलब ये क्या बन गई? ये ग्रांट बन गई. ठीक. अब अगर हम इसको जनरल एंट्रीज पास करें इसकी तो क्या होंगे जनाब? तो हम कहते हैं जी कैश अकाउंट डेबिट, ग्रांट अकाउंट क्रेडिट. कितने से जी? तो हम कहते हैं इट्स 400,000. 400,000 रुपये की ग्रांट मिल गई आप. कैश अकाउंट डेबिट to government grant 400,000. That is the grant received. अब आपने एसेट परचेज कर लिया. एसेट परचेज की एंट्री आपको पता ही. एसेट अकाउंट डेबिट, पीपीई डेबिट टू कैश. कितने से जनाब? 1,000,000. ठीक हो गया सर. अब हमें पता है जी एसेट की यूजफुल लाइफ है 10 साल. तो इसका मतलब है कि डेप्रिसिएट होना शुरू हो जाएगा पीपी. अब IAS 20 ये कहता है कि अगर ग्रांट रिलेटिंग टू एसेट है तो आपने ग्रांट को अमोर्टाइज करना है ओवर द पीरियड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ दैट एसेट जिसके अगेंस्ट आपको ग्रांट मिली है. क्योंकि उसने एक्सपेंस आउट कैसे होना है उस एसेट ने जैसे जैसे डेप्रिसिएशन जानी. तो ग्रांट भी कैसे अमोर्टाइज होगी? बिल्कुल उसी पैटर्न को रिफ्लेक्ट करेगी. चूंकि मैचिंग चल रहा है तो ग्रांट अब अमोर्टाइज किस पे होगी? ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ दैट एसेट जिसके अगेंस्ट आपको ग्रांट मिली. ठीक. इसका मतलब जब आप एसेट को डेप्रिसिएट करेंगे तो क्या एंट्री आएगी? तो हम सबको पता जी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
टू एसेट या अकॉमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ऐसे ही। तो अगर आप 10 सालों पे इसको अमोर्टाइज करें तो ये 1,00,000 आ गए। अब अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट की एंट्री क्या है, वो भी हम सबको पता है जी। क्या एंट्री है जी? गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने से जनाब? 40,000। दिस इज हाउ इट विल बी अकाउंट फॉर। खत्म हो गया। अब आप इसका डिस्क्लोजर बना ले जनाब। अगर हम इसका डिस्क्लोजर बनाए तो ईयर वन के एंड पे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा? तो कहते हैं इन द प्रॉफिट एंड लॉस वी विल हैव द टू थिंग, दैट इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। तो क्या आएगी डेप्रिसिएशन हमारे पास? तब कहते हैं जी डेप्रिसिएशन आएगी हमारे पास 100,000 और अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट 40,000। एसओएफपी में, नॉन करंट एसेट में, हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी आ जाएगा। कितने का जी? 1,00,000, मतलब 1,000,000 माइनस 1,00,000, 9,00,000। और नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज में गवर्नमेंट ग्रांट है। टोटल ग्रांट थी जनाब 4,00,000, जिसमें से 40,000 अमोर्टाइज होगी, बाकी बच गई 3,60,000, जिसमें से 40 अगले साल अमोर्टाइज हो जाएगी। तो करंट पोर्शन कितना बना? 40,000। चलो तो लायक हो गया जैसे, है ना? 3,20,000 इज नॉन करंट पोर्शन। अगले साल का भी अगर आप डिस्क्लोजर बनाएं तो वो भी ऐसे ही बनेंगे, सही हो गया जनाब। अब स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि जनाब ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है इसको आप सेपरेटली डेफिट इनकम बना लिया हमने यहाँ पे, बट इट कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ एन एसेट जिसके अगेंस्ट आपको ग्रांट मिले। ठीक, मतलब ये दो एंट्रीज हो गई। इसके बाद यहाँ पे आप एक और एंट्री कर सकते हैं, एंड दैट इज ग्रांट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये एंट्री कर लिया, तीसरी एंट्री है। इसको हम कहते हैं ऑफसेट, जैसे उधर हमने ऑफसेटिंग की थी, अगेन यहां पे भी ऑफसेटिंग हो सकती है कि ग्रांट जो है उसको एसेट की बेस कॉस्ट में से माइनस कर दो। ठीक, यानी कि ग्रांट डेबिट एसेट क्रेडिट, जिस एसेट के अगेंस्ट ग्रांट मिली है उसकी इनिशियल मेजरमेंट के वक्त उसकी कॉस्ट में से आप उसको क्या कर दें? माइनस कर दें। ठीक हो गया। अब जब आप ऐसा कर देंगे तो एसेट कितने पे रह गया? 6,00,000। अब जब आप उसको डेप्रिसिएट करेंगे ओवर द 10 ईयर्स तो कितनी आएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अकॉमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000। अब आप जब इसको इसके डिस्क्लोजर बनाएंगे ईयर वन का, तो ईयर वन का डिस्क्लोजर में चेंज क्या आएगा? तो हम कहते हैं एक्चुअली क्या होगा कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं, इन दोनों की जगह डेप्रिसिएशन है 60,000, यानी कि एक्चुअली ये ऑफसेट हो गए। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफसेट हो गए, कितना रहता है? 60। अगर हम उधर से पहले ही ऑफसेट कर रहे हैं तो देखें डेप्रिसिएशन 60 आ जाता है। इसका मतलब बिल्कुल वही रूल जो अभी हम ग्रांट रिलेटिंग टू इनकम पे बात कर रहे थे कि एक्सपेंस और रिलेटेड इनकम का आपस में क्या किया जा सकता है? ऑफसेट किया जा सकता है। तो हमने उसको जब ऑफसेट किया तो फिर वही आ गया। तो दिस इज अलाउड। बैलेंस शीट में आएंगे तो पीपी कितना रह जाएगा? 6,00,000 में से 60,000 माइनस किया तो बाकी बच गया 5,40,000, और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे भी 9,00,000 में से 3,20,000 और 40,000 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 540। ऑफसेटिंग होगी उधर, इधर इनकम और एक्सपेंस ऑफसेट हो गया, इधर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफसेट हो गए। सो IAS 20 इज अलाउइंग अस टू ऑफसेट। आप ऑफसेटिंग कर सकते हैं। तो दोनों मेथड्स आप कर सकते हैं। जो भी एग्जामिनर आपको पेपर में कहेगा कि एंटिटी की पॉलिसी है कि वो ग्रांट को सेपरेट इनकम बनाते हैं, इसका मतलब ऑफसेटिंग नहीं हो रही, इसका मतलब है ऑफसेटिंग नहीं हो रही। तो जो भी पॉलिसी वो आपको बताएगा आप दोनों में से, आपने उसी को ऑप्ट करना। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रांट रिलेटिंग टू इनकम्स। ले जना इसके बाद जनाब पेज नंबर 409 पे एक एग्जांपल है, घर जाए कीजिएगा।
मैं क्या स्टैंड मुक्की नाना जा पेज नंबर 409 दिस इज व्हाट इज ईयर वन एंटिटी हाँ जी यही वाली एग्जांपल की राय 20 गवर्नमेंट ग्रांट क्या जी इसके अंदर तुमने कहा जी इसके अंदर कुछ भी खास नहीं है आई मीन फारक सा स्टैंडर्ड है मतलब ग्रांट जो रिसीव हो रही है वो क्या है वो एडवांस इनकम बस एंड इट इज अ डेफर्ड इनकम एंड इट हैज टू बी अर्नड ठीक अगर ये इनकम से रिलेट करती है तो इससे रिलेटेड कॉस्ट या तो पास्ट में हो चुकी होगी या फ्यूचर में होनी होगी अगर पास्ट में ऑलरेडी आप कॉस्ट इनकर कर चुके होंगे तो जो इन ग्रांट रिसीव होगी वो इमीडिएट इनकम बन जाएगी उसी साल क्योंकि आप कॉस्ट तो पहले इनकर कर चुके हो इसका मतलब अर्न पहले ही है और दूसरी सूरत में फ्यूचर में कॉस्ट इनकर होगी तो उसको हम क्या करेंगे अमोर्टाइज करेंगे जैसे जैसे वो अर्न होती जाएगी यानी कि मैचिंग कॉन्सेप्ट और अगर आपको ग्रांट इसलिए मिलती है दैट यू हैव टू परचेज अ नॉन करंट एसेट इसको हमने कहा ये क्या है जी ये ग्रांट रिलेटिंग टू एसेट है दोनों सूरतों में ये डेफर्ड इनकम ही है इन बोथ वेज इट इज अ डेफर्ड इनकम तो ग्रांट जो है जो एसेट के अगेंस्ट रिसीव हो रही है उसको हमने कहा जनाब आप उसको क्या करेंगे अगर आप उसको सेपरेट इनकम बनाएंगे तो वो अमोर्टाइज होगी ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट पहला ऑप्शन ये आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि आप ग्रांट को माइनस कर दें एट द टाइम ऑफ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट उसकी कॉस्ट में से माइनस कर दें यानी कि ऑफसेट कर दें और बाकी चीज़ें वैसे चलती रहेंगी जैसे चल रही इतनी सी बात पड़ी आज हमने ठीक सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असिस्टेंस एंड द ग्रांट तो हमने कहा जी ग्रांट में ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स होती है असिस्टेंस में ऐसी कोई बात नहीं होती ग्रांट इटसेल्फ इज अ टाइप ऑफ असिस्टेंस लेकिन असिस्टेंस में अगर ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स बन जाए तो उसी असिस्टेंस को हम क्या कहते हैं ग्रांट बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपने याद रखी कल हम यहीं से इसको आगे लेके चलें